Good morning, Pratmesh. Rachi, good morning. Only cytologic diagram is with her. Kalpuru important diagram. ये ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और नीट के लिए कौन कौन है? सिद्धि, सुमित,
कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, ये देखिए लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल, ये कहाँ पर दिखती है हमको, माया बैक्टीरिया के अंदर। लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस याद रखने का। उसके बाद वॉलेस फॉर्म, एल फॉर्म, माइकोप्लाज्म, स्पीरोप्लास्ट। वैसे तेरे को यहाँ पर लाइटिक लाइसोजेनिक बोला, पर इसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं गिरेगी, एक बार पढ़ लेने का, क्योंकि टेक्स्ट बुक में पूरा डिटेल में इसके बारे में कुछ दिया नहीं, रेफरेंस बुक में ही मिलेगा आपको लाइटिक और लाइसोजेनिक के अंदर डिफरेंस क्या है। उसके बाद ये नंबर टू का भी पॉइंट। उसके बाद माइक्रोबियल कल्चर टेक्निक, इवोल्यूशन ऑफ न्यू क्रॉप, मिलेट्स एंड स्यूडो सीरियल्स, रैटनिंग, नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन, थेरापेटिक हैबिटेट, फार्मिंग द ड्रग्स विद स्पेशल रेफरेंस, इन सब के मतलब यूजफुल प्लांट, माइक्रोस्कोप, अपाइकल सेल थ्योरी, हैडाथोड एंड सॉल्ट ग्लैंड ग्लैंड, सॉइल प्रोफाइल, इक्टोटोन, सो ऑन। पीसीडी प्रोग्राम सेल डेथ, अपोप्टोसिस बोलते हैं इसका। जैसे हम सेल के अंदर देखते हैं सिनेसन देखते हैं, नेक्रोसिस देखते हैं, वैसे और एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं पीसीडी, तो वो रहता है प्रोग्राम सेल डेथ। डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, स्प्लिट जीन कौन से होते हैं, ये सब ये थोड़ा डिटेल में पार्ट है देखिए ये सब, क्योंकि पहले जो एम्स के अंदर का जो सिलेबस रहता था वो थोड़ा सा बीसाइड एनसीईआरटी भी आपको पढ़ना पड़ता है उसके अंदर, तो यहाँ पर बीसाइड एनसीईआरटी इसके अंदर पॉइंट्स है जो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये सब देख लेना कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एवरसिन ट्रीटमेंट, टॉलेस्ट सिरिल मेस, ओल्डेस्ट फूड क्रॉप इन इंडिया, फर्स्ट मेडिसिनल प्लांट टू क्योर द हार्ट डिजीज, मेल एंटी, अब यहाँ पर ड्राउल फियर नाम आया था वो उसी को यहाँ पे यूज करता है, मेल एंटी फर्टिलिटी केमिकल प्रेजेंट इन द कॉटन, जुजुबा वैक्सीन, यूपी गुड मॉर्निंग, इतने सब तो दिख रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो नीट के लिए लगेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये ठीक है, पर इसके अंदर क्या मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम टॉपिक आपको टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, आपको उसके लिए रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ता है। और क्या की नोट्स ये पढ़ने के लिए बोला था, ये की नोट्स है जो फास्टली आप रिवाइज कर सकते हो, मतलब हर एक पर्टिकुलर टॉपिक है। एक बार किंगडम प्लांट के देख लेंगे फास्ट, ये है की नोट्स जिससे फास्ट रिवीजन हो जाएगा आपको। क्लासिफिकेशन इसके अंदर याद रखना है किस टाइप का था, थ्री टाइप का था, जहाँ पर आर्टिफिशियल बोला था बाय कार्लोस रिनास, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रोसियम स्ट्रक्चर एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर, नेचुरल के अंदर बोला गया बेस्ड ऑन नेचुरल अफिनिटीज, तो इसके अंदर इंटरनल फीचर आएंगे जो जॉर्ज बेंथम और हुकर ने बोला था। उसके बाद फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आता है बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म,
उसके बाद न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल मतलब पता है आपको नंबर, न्यूमेरिकल का मीनिंग होता है नंबर, तो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, तो ये सब पता है देखो, बेस्ड ऑन द प्रोसेस्ड आफ्टर असाइनिंग द नंबर एंड कोड्स फॉर ऑल द कैरेक्टर। एडवांटेज क्या है, तो ईच कैरेक्टर गेट्स इक्वल इंपॉर्टेंस, नंबर ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड। साइटो टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन गिव्स इंपॉर्टेंस टू क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर बिहेवियर, ये होगा साइटो टैक्सोनॉमी। देन कीमो टैक्सोनॉमी, कीमो मतलब केमिकल, वैरायटी ऑफ केमिकल रहता है प्लांट के अंदर, उसके अंदर देख तो रहे कॉन्करेंट व्यूअर ओनली 6। अगर मेरे को 2-3 व्यूअर दिखे तो मैं क्लास बंद कर लूंगा लास्ट में, अगर व्यूअर बहुत कम दिखे तो, क्योंकि मुझे पता है आपको स्टडी करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ ओनली अटेंडिंग थ्योरी क्लास से, तो क्वेश्चन लिए तो फायदा है। आज इवनिंग में बहुत क्लास लेंगे, आज इवनिंग में साइटोटॉक्सिनॉमी। उसके बाद अल्गी, क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक लार्जली एक्वाटिक, तो कैरेक्टरिस्टिक पता है देखिए अल्गी के क्या क्या, पढ़ते जाओ एक फास्ट रिवाइज करते जाओ, बस ये की नोट जो दिखा रहा हूँ फास्ट रिवाइज करते जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करेगा 9/10 ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो अल्गी करता है। मेनी स्पेसिस यूज एज फूड, फूड में यूज करते हैं। अगार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्गिन ब्राउन अल्गी से मिलता है, ये याद रखिए अल्गिन जो केमिकल है जिस, अल्गिन एंड कैराजन ये दोनों, अल्गिन फ्रॉम ब्राउन अल्गी एंड कैराजन फ्रॉम रेड अल्गी, ये याद रखिए। और कमर्शली यूज एज हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड मतलब ये कहाँ पर यूज कर सकता है, पेंट में, वॉल को जो कलर मारते हैं उस पेंट में। क्लोरेला और स्पिरुलिना ये तो स्पेस ट्रैवलर यूज करते हैं क्योंकि प्रोटीन का सोर्स है, SCP बोलेंगे इसको, सिंगल सेल प्रोटीन। देन अल्गी आर यूनिसेलर लाइक लैमिनोमोनास, कोलोनियल लाइक वॉलवॉक्स एंड फिलामेंटस लाइक स्पायरोगारा यूलिथ्रिक्स, डिफरेंट फॉर्म दिए वाले भी पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्लोरोफाइसी ग्रीन अल्गी, क्या क्या मेन पिगमेंट है इसके अंदर, सेलवॉल का कंटेंट याद रखने का, सेलुलोज एंड पेक्टोस, कौन कौन से कंटेंट है, पेक्टोस पायरिनोइड्स रहेगा कि जो किससे बने वाला रहता, स्टार्च एंड प्रोटीन, ये नाम याद रखिएगा, ये काम का है। पिगमेंट पैरानॉइड लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, कहाँ पर है पैरानॉइड, तो क्लोरोप्लास्ट में, एग्जाम्पल तो याद रखने का सब। फियोफाइसी ब्राउन, क्यों ब्राउन है, क्योंकि इस पिगमेंट की वजह से, पिगमेंट के नाम याद रखने का। और जेलेटिनस कोटिंग रहेगी इसके ऊपर अल्गिन की, सेलुलोज रहेगा। रिजर्व फूड मटेरियल हमको पता है इसके अंदर क्या रहता है, लैमिनॉल, लैमिनारियन एंड मैनिटॉल, एंड बॉडी डिविजिबल इन टू थ्री पार्ट्स, ये थ्री पार्ट्स और एग्जाम्पल याद रखने के। फिर इसके अंदर और इसके पिगमेंट कौन सा है, ये डेप्थ में मिल सकता है और सरफेस पे मिल सकते हैं दोनों साइड को। सेलवॉल हैज सेलुलोज एंड रिजर्व फूड मटेरियल इज फ्लोरिडियन स्टार्च, जो रेड एल्गी में रहेगा। हाँ इसके बाद यहाँ का देखा, ये एक बार रिवाइज कर,
रिप्रोडक्शन कैसा है ये पता है, तीनों टाइप से होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीनों टाइप। तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा। तो जूस्पोर हमको पता है ये रहता है मोटाइल, जो क्लोरोफाइसी मिलेगा, बायोफ्लैजेलेट जूस्पोर मिल रहे थियोफाइसी में, नॉन मोटाइल स्पोर रहेंगे रोडोफाइसी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्री टाइप का, आइसो, अनआइसो एंड ऊगैमस, ये पता होना चाहिए आइसो अनाइसो और ऊ गैमस कौन सा। बाय नॉन मोटाइल गैमेट एंड ऊ गैमस। उसके बाद ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट को अपन एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांट बोले, क्यों बोले, रीजन क्या रहता है इसका? रीजन ये रहता है कि इसके जो फर्टिलाइजेशन होगा वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा, मतलब वाटर में, इसलिए इनको ब्रायोफाइट्स बोले वाला। कहां पर ग्रो होते थे पता है, प्लेस इनके अंदर नहीं रहेगा ओरिजिनल रूट स्टेम एंड लीफ। मेन प्लांट बॉडीज हैप्लॉइड एंड थैलस लाइक प्रोस्टेट और इरेक्ट, इस तरह के। एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, फूड फॉर हर्बेसियस एनिमल्स, स्पैग्नम, ये इसका नाम पक्के से याद रखने का, क्योंकि इसका एप्लीकेशन है पीट, यूज्ड एज फ्यूल एंड आल्सो यूज फॉर पैकिंग मटेरियल। कहाँ पर, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, क्यों, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो ये रीजन है इसके वजह से। फाइव तो स्टूडेंट दिख रहे, फाइव मतलब फोर। सॉल्यूरेशन प्रिवेंट करने में भी इसका रोल है, अलॉन्ग विथ लाइकेन आर द फर्स्ट कॉलोनाइज ऑन द बैरन रॉक। मॉसेस जो थे इसके अंदर के, वो सॉल्यूरेशन प्रिवेंट करता है, मॉस। फिर क्लासिफिकेशन पता है, इसके अंदर लिवर वर्ड्स आएंगे, देन मॉसेस, क्रीपिंग, प्रोटोनिमा स्टेज एंड लिफी स्टेज, स्पाइरली अरेंज्ड फिनारिया, पॉलीट्रैकम एंड स्पैग्नम, ये सब। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जिमी फॉर्मेशन, जिमी फॉर्म, जिमी कप। तो ये मैं सब नोट्स डाल दूंगा एक ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय जिमी, जिमी कब पता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय गैमेटोफाइट एंड फ्यूजन ऑफ एंथ्रोसाइड, एंथ्रोसाइड और आर्किगोनियम क्या ये पता है, देखिए ठीक है, एंथेडियम इन आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट विच डेवलप इन टू अ स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएटेड इन टू द फूड सीट एंड कैप्सूल। ये होता है, ये स्ट्रक्चर देखना है, डायग्राम टेक्स्ट बुक में लाइन टू लाइन सभी देख लेने का है।
स्पोर जनरेट, मैंने बोला आपको कि एक दिन के अंदर आपका पूरा बॉटनी पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। एक्चुअल में इसके अंदर तो टाइम लग रहा है, एक दिन में आपका पूरा कंप्लीट रिवाइज हो जाना चाहिए, कंप्लीट पहले से लेकर लास्ट तक। तो स्पोर कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? कैप्सूल में। जर्मेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट प्रोटोनिमा, एंड स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट फ्रॉम विच डिराइव्स द न्यूट्रिशन। उसके बाद टेरिडोफाइट, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, प्रीफर कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस टू ग्रो। उसके बाद ग्रो एज एन ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब समझ में आता है, सुंदर दिखने के लिए ये अच्छे भी दिखते हैं प्लांट। इनको यूज किया जाता है फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज अ सॉइल बाइंडर, सॉइल को बाइंड करने में ये इम्पोर्टेंट है, काम को आता है। उसके बाद देखिए मेन प्लांट बॉडी के अंदर क्या क्या है, इनके रूट है, स्टेम है और लीव्स है। लीव्स में भी स्मॉल और लार्ज, स्मॉल किस में और लार्ज किस में ये पता होना चाहिए, लीव्स स्मॉल किस में और लार्ज किस में। देन स्पोरांजिया हैविंग द स्पोर्स आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडिजेस कॉल्ड एज स्पोरोफिल, एंड स्पोरोफिल मे बी अरेंज टू फॉर्म द स्ट्रॉबेरी और कोन, स्ट्रॉबेरी और कोन। ये इनको यूज, स्ट्रॉबेरी नाम याद रखिए आपको कहाँ पर आता है, ये स्ट्रॉबेरी का मतलब होता है कोन, मतलब जहाँ पे लीफ अरेंज होके कोन तैयार होता है। जैसा कोई गर्ल है लड़की और उसके सपोज लंबे हेयर, लॉन्ग हेयर से, तो उन्होंने क्या किया अपने लॉन्ग हेयर्स फोल्ड करके ऊपर एक मतलब वो ऐसा पूरा पैक बना दिया ऊपर। तो वैसे जो प्लांट के अंदर लीफ है वही लीफ अगर फोल्ड होके एक कोन फॉर्म कर रहा है तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी, मेल स्ट्रॉबेरी और फीमेल स्ट्रॉबेरी। तो ये याद रखने का कि ये ब्रायोफाइट, ये टेरिडोफाइट में दिखता है आपको और वहाँ पे उधर दिखता है किधर, जिम्नोस्पर्म है वहाँ पर भी दिखता है। इन स्पोरांजिया द स्पोर मदर सेल गिव्स राइज टू स्पोर आफ्टर मियोसिस, इसके वजह से फिर बाद में प्रोथैलिस क्या है वो पता है आपको कैसे तैयार होता है, फ्री लिविंग रहेंगे, स्मॉल मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक। प्रोथैलिस के अंदर क्या रहेगा ये बोला है, देयर आर द फोर क्लासेस, कौन कौन से फोर क्लासेस से ये बोले वाले हैं, हेटोस्पोरिस सीड हैबिटेट, ये सब दिखता है यहाँ पर। हेटोस्पोरिक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्योंकि इसके सिवा सीड प्रोड्यूस होगा ही नहीं। टू काइंड ऑफ स्पोर, एक रहता है लार्ज एक रहता है स्मॉल, जो लार्ज रहता है उसको बोलेंगे मैक्रो, जो स्मॉल होता है उसको बोलते हैं माइक्रो। और सालाचिनेला साल्विनिया, ये एग्जाम्पल आपको पक्के याद रखना है क्योंकि ये हेटरोस्पोरस है और हेटरोस्पोरिक कंडीशन इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, इसलिए बोलते सीड हैबिटेट सबसे पहले इनमें डेवलप हुई। सीड हैबिटेट जो थी वो सबसे पहले किस में डेवलप हुई, इन टेरिडोफाइट में। तो ये रीजन था कि जिसकी वजह से सीड हैबिटेट यहाँ पर डेवलप हुई थी। सीड हैबिटेट डेवलपमेंट ऑफ जायगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट विच इज रिटेन्ड ऑन द पैरेंट स्पोरोफाइट, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी जायगोट कहाँ पर, अभी पैरेंट के बॉडी के ऊपर मतलब स्पोरोफाइट के ऊपर। और ये इवेंट इज अ प्रीकर्सर, प्रीकर्सर मतलब पूर्व घटक, मतलब ये लगेगा ही, जैसे आपको शीरा बनाना है तो आपको पानी शुगर ये सब चीज़ें लगेंगी, ये होगा पूर्व घटक, वैसे ये होना जरूरी है फर्टिलाइजेशन और विद हेटरोस्पोरी। इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन इज फाउंड इन द सालाचिनेला एंड साल्विनिया, इसलिए ये नाम दोनों याद रखने के, सालाचिनेला एंड साल्विनिया। इसमें क्या है,
उसके बाद देखो, हैव नेकेड स्टील एंड आर नॉट क्लोज बाय एनी ओवर वॉल रिमेन एक्सपोज इंक्लूड शर्ब एंड ट्रीज एंड हैव जनरली टैप रूट, टैप रूट रहता है जिम्नोस्पर्म। तो टैप रूट आना मतलब देखो डायकॉट के जैसा कैरेक्टर, और ये प्लांट हमको पता है ऐसे कंडीशन में रहता है जहाँ पे एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड रहती है। तो स्टेम में भी ये ब्रांच और अनब्रांच, ये दिख रहा है, नीडल लाइक रह सकते हैं पैनस में, पिनलेट रह सकते हैं साइकस में। पैनस है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोराइसी एंड साइकस है स्मॉल स्पेशलाइज रूट जिसको बोलते हैं करोलाइड रूट्स विच आर एसोसिएटेड विद एंटो फिक्सिंग बैक्टीरिया, एंटो फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एंड दीज आर हेटरोस्पोरस। हेटरोस्पोरस मतलब जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेंगे और डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट मतलब माइक्रो एंड माइक्रो। तो मेल कोन हैज माइक्रोस्पोरोफिल जिसके अंदर माइक्रोस्पोर रहेंगे, माइक्रोस्पोर रहेगा क्या होता है ये पता हमको। फिर फीमेल कोन देखे तो उसके अंदर हमको दिखाई देगा ओविल, और ओविल के अंदर हमको पता है डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं हमको क्या क्या है, माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक, फिर उसके बाद न्यूसेलस, न्यूसेलस से एम्ब्रियो सैक फॉर्म होगा, चलाजा, फ्यूनिकल, इंटेग्यूमेंट्स हो। मेगा स्पोरांजियम जो फॉर्म होने वाला है न्यूसेलस से। पर डिफरेंस क्या है कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड रहेगा, एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड किसमें, जिम्नोस्पर्म में। डिप्लॉइड किसमें होता है, ओइंथेरा प्राइमोस, और उसके बाद ट्रिप्लॉइड किसमें होता है, चीजें याद रखें। देखो उसके बाद पोलन जो रहते हैं इनके अंदर वाइंड पॉलिनेशन होता है, किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म में। फिर पोलन ट्यूब भी तैयार करेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन जो है वो सिफेनोगैमी है, रिश टू आर्किगोनिया रीच एंड फर्टिलाइज विद द एग सेल टू फॉर्म जायगोट, जायगोट फॉर्म करेंगे जिससे आगे एम्ब्रियो तैयार होगा और ओविल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, जो कि कवर्ड नहीं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, नॉट कवर्ड, जिसकी वजह से उनके अंदर फूड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सीड फॉर्म हो रहा है पर फूड फॉर्म नहीं हो रहा है। उसके बाद सबसे एडवांस प्लांट कौन से, तो एंजियोस्पर्म, ये पता है मोस्ट एडवांस प्लांट जो रहेंगे वो रहेंगे एंजियोस्पर्म, क्योंकि इनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोल रहे हैं, और फ्लावरिंग किसके लिए आया, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड भी रहेगा, मेनली टू क्लास है, डाइकॉट मोनोकॉट। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वुल्फिया, माइक्रोस्कोपिक होता है, और लार्ज ट्री बोले तो इसके अंदर है यूकेलिप्टस जो 100 मीटर है, और एंजियो ये जिम्नोस्पर्म जो ऊपर देखे इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा था, नाम नहीं बोला वहां पर इसलिए बोल दे रहा हूं,
जैमिया पिग्मिया, और लार्जेस्ट कौन सा था? सेमिपर्बियस, सिकोया सेमिपर्बियस। आवाज तो आ रहा है सबको अच्छे से? कान का आवाज आ रहा है ना, बंद कर देता हूँ, कान गर्मी होती है पर। उसके बाद देखिए, ईच स्टेमन हैज फिलामेंट एंड एंथर, ये तो पता है हमको स्टेमन में क्या रहेगा, सोवा, ये सभी चीजें पता रहिए, तो ये बता रहे बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे बता सकते हैं। क्योंकि जो प्लांट हम देख रहे हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हमको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट है, और प्लांट के अंदर फ्लावर आने का पर्पस क्या था कि वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर वहाँ पर आया, तो बायसेक्सुअल फ्लावर है, बायसेक्सुअल में क्या रहेगा, दोनों चीज़ें रहेंगी, मेल और फीमेल दोनों भी रहेंगे, तो मेल मतलब कौन हो गया, एंड्रोसियम, जिसके यूनिट होते स्टेमन, स्टेमन से क्या होगा, एंथर और फिलामेंट रहेगा, एंथर का टीएस लेने के बाद हमको उसके अंदर दिखाई देगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे प्रोड्यूस होगा माइक्रोस्पोर बाय मियोसिस और उसकी पूरी डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और उसके बाद फीमेल, ये गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है गायनोसियम, और गायनोसियम से फिर बाद में आगे की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, एक कैसे डेवलप हो रहा है, वो पार्ट कौन सा रहेगा वहाँ पर, वो रहेगा फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट, तो वो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ये पॉइंट याद रखिए, ये पूछे वाला है, सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म में, कितने सेल और कितने न्यूक्लियस पता होना चाहिए, सेल सेवन और न्यूक्लियस एट है। इधर व्हाइट बोर्ड ओपन करा मतलब दिखा सकता हूँ आपको, फिर बाद में आगे फर्टिलाइजेशन होगा, ट्रिपल फ्यूजन है, सो ऑन, और फिर बाद में आगे अल्टरनेशन जनरेशन है। ये तो पता है कि जो फ्लावर है किसका, एंजियोस्पर्म फ्लावर में, उसके अंदर हमको दो सेक्स ऑर्गन दिख रहा है, एक है एंड्रोसियम, एक है गायनोसियम, तो एंड्रोसियम का यूनिट हमको पता है स्टेमन है, स्टेमन के अंदर दो पार्ट रहेंगे, कौन कौन से, एक रहेगा फिलामेंट, एक रहेगा एंथर, एंथर का जब ट्रांसफर सेक्शन लेते थे हमको क्या दिखाई देता है, फोर डिफरेंट लेयर दिखेंगे, फोर डिफरेंट लेयर, उसके बाद हमको क्या दिखाई देगा अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या रहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इनका क्या होता है, मियोसिस, इनका मियोसिस होकर क्या प्रोड्यूस होगा, माइक्रोस्पोर, जो कि रहेगा हैप्लॉइड।
और माइक्रोस्पोर का माइटोसिस होने के बाद क्या होगा, टू सेल स्टेज आएगी, टू सेल स्टेज, पहले टू सेल स्टेज, थ्री सेल स्टेज बोलेंगे। थ्री सेल स्टेज में क्या होगा कि एक न्यूक्लियस, एक रहेगा वेजिटेटिव सेल, टू सेल स्टेज बोलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया ना, तो फिर न्यूक्लियस आएगा कैसे, नहीं आएगा, न्यूक्लियस नहीं आएगा टू सेल स्टेज में। और एक रहेगा जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल जिससे दो मेल गैमेट तैयार होने वाले, टू मेल गैमेट। तो ये डेवलपमेंट होती है इस तरह से। और इधर तो पता है गायनोसियम की यूनिट को हम बोल रहे कार्पेल, कार्पेल के अंदर तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी, ओवरी, ओवरी में रहेगा ओविल, ओविल में रहेगा न्यूसेलस, न्यूसेलस से फॉर्म होगा एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर रहेगा मेन एग, और ये एक फर्टिलाइज होगा इधर मेल गैमेट के साथ। तो ये पूरा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और फिर पता आपको कि एक मेल गैमेट जब एक एग को फर्टिलाइज होगा तब उससे क्या प्रोड्यूस होगा, जायगोट, जो कि रहेगा डिप्लॉयड। और इस जायगोट का माइटोसिस हो होकर क्या होगा, इससे एम्ब्रियो डेवलप होगा, एम्ब्रियो। और इसको क्या बोलते हैं, सिंगामी, दिस इज कॉल्ड अ सिंगामी। और जो रिमेनिंग एक मेल गैमेट है वो किसके साथ फर्टिलाइज हो रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस। और इससे क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि रहेगा ट्रिपलर। और इसको क्या बोले हम, डबल फर्टिलाइजेशन, ये डबल फर्टिलाइजेशन या इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। और डबल फर्टिलाइजेशन जो सिर्फ किस में होता है, एंजियोस्पर्म में, ये प्रोड्यूस होगा ट्रिपलेट एंजियोस्पर्म। और यहां पर हो रहा है सिंगामी, सिंगामी इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, तो ये सब पता होना चाहिए। फिर बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तब एंडोस्पर्म में यूटिलाइज होता है, में परसिस्टेंट रह सकता है लास्ट तक। तो ये सब होगा एंजियोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने का है। और क्या होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, द ऑकरेंस ऑफ टू स्टेजेस अल्टरनेटली वन आफ्टर द अनदर इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो वो वहां पे आपको हैप्लियोटिक, हैप्लोडिप्लियोटिक, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या लाइफ साइकिल जिसको बोलते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, लाइफ साइकिल। इसके अंदर एक है हैप्लियोन्टिक, लाइफ साइकिल, एक है हैप्लोडिप्लियोन्टिक, और एक है डिप्लियोटिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लियोटिक में क्या है, हैप्लॉइड स्टेज, हैप्लॉइड स्टेज मतलब क्या रहेगा, यहां पर गैमेटोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट है,
डोमिनेंट है किसके ऊपर? स्पोरोफाइटिक स्टेज पर, स्पोरोफाइटिक स्टेज स्टेज। और यहां पर क्या रहेगा, गैमेटोफाइटिक स्टेज और स्पोरोफाइटिक स्टेज दोनों इक्वल है। और इधर क्या होगा इसका उल्टा, मतलब स्पोरोफाइटिक स्टेज जो है वो डोमिनेंट है और गैमेटोफाइटिक स्टेज जो है वो रिसेसिव है। अभी देखिए स्टूडेंट ऑनली 3 है, तो अभी मैं स्टॉप कर लूँ, कम रहे बात क्या करना है। इतना कर लो फिर, ये ऑटमन सीजन है, लीफ चुकी है, ऑटमन सीजन, लीफ शेडिंग ऑफ लीफ, बच्चे थोड़े कम देखिए, ऑनली 2 ही है। और क्या पढ़ाना बताइए, और सही भी है, पढ़ाई भी करना है तो इसलिए जाते होंगे, पर बोल के तो जाना है मेरे को कि भाई मेरे को जाना है, ये करना है, पढ़ाई करना है, इतना टाइम लो, 30 मिनट लो, 40 मिनट लो, ऐसा आप बोले तो मुझे समझ में आता है। बोलोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, रिवाइज करो आगे का। पर बोल रहा हूँ आपको पूरा, यानी कि एक दिन में पूरा का पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए, पूरा एक बार बॉटनी या तो पूरा एक बार जूलॉजी, पूरा ऐसे कर लो, पूरा जो सिलेबस है वो 6 फेज में डिवाइड करके वैसे। ठीक है,
आगे का रिवाइज कर लेना, मेरा तो और क्लास है अभी इसलिए रुका हूँ। आगे का और रिवाइज कर लेना, देखो टेक्स्ट बुक रोज पूरा पढ़ के रोज का रोज अच्छे से रिवाइज करके रखो। Thank you.
चिप क्लास चालू अभी अभी और चालू होगा क्लास। हाँ एक मिनट फिर एड करता हूँ।